हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बाजार जैसे चिली गार्लिक नूडल्स। बहुत ही इजी है बनाने में, झटपट से बन जाएंगे। तो शुरू करते हैं चिली गार्लिक नूडल्स। चिली गार्लिक नूडल्स बनाने के लिए ये मैंने नूडल्स को उबलते हुए पानी में 2 मिनट के लिए डाला था। उसमें नमक और आधा चम्मच रिफाइंड भी डाला था और इसके बाद इसको ठंडे पानी में छानकर और हल्का सा तेल लगाकर इसको रख दिया था। इसको मैंने 15 से 20 मिनट रखा था ताकि सारा पानी निकल जाए। और ये कच्चे नूडल्स, इस तरह से आपको ये कच्चे नूडल्स जो हैं बाज़ार में इस पैकेट्स में मिल जाते हैं, बहुत ईजिली मिल जाते हैं आपको। गार्लिक नूडल्स बनाने के लिए ये मेरे पास तो चाइनीज़ कढ़ाई है। इस तरह से ये चाइनीज़ कढ़ाई आती है बाज़ार में, आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको नॉनस्टिक कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मैंने इसमें, आपने देखा होगा, तेल डाल दिया हुआ है। तो तेल को गर्म कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, सबसे पहले इसमें खूब सारा 2 से 3 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। गार्लिक चाउमीन में लहसुन ज़्यादा अच्छा लगता है और वैसे भी गार्लिक से कोई भी चाउमीन बनाओ, नूडल्स बनाओ, उसमें चाइनीज़ आइटम बनाओ, गार्लिक का टेस्ट अलग ही आता है। उसमें ज़्यादा गार्लिक अच्छा लगता है। तो इसको भून लेते हैं। इसको भूनने के बाद इसमें ये मैं डाल दूंगी ग्रीन चिलीज, जो कि मैंने 3 से 4 काटी हुई थी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 प्याज। आप ज़्यादा खाते हैं आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने 1 डाला है अभी। 1 प्याज डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। अच्छी तरह से मतलब सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक, इसको लाल नहीं करना। अब मैं इसमें डालूंगी ये लंबी कटी हुई पत्ता गोभी। आप सब्जियां अपनी टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, गाजर, बीन्स या स्प्रिंग ऑनियंस भी इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। ये है शिमला मिर्च हरी, 2 शिमला मिर्च थी छोटी, लंबी काटी है। इसको भी अच्छी तरह से हम सॉटे कर लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। इस तरह से हमने सब्जियों को छोटे करना है और पकाना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि कच्ची कच्ची सब्जी ही अच्छी लगती है चाउमीन में। अब मैं इसमें ये उबले हुए नूडल्स डाल दूंगी। ये देखा आपने, बिल्कुल अलग अलग दाना है क्योंकि इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाया, उबलते हुए पानी में 1 आधे मिनट के लिए रखा था और ठंडे पानी से निकाल दिया था। अब मैं इसमें डालूंगी ये ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच सिरका, रेड चिली सॉस, थोड़ा सा नमक। नमक कम डालिएगा थोड़ा, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। सोया सॉस, ये अजीनोमोटो है, ऑप्शनल है, आप डालते हो डालिए, नहीं खाते तो मत डालिए, पर थोड़ा टेस्ट के लिए डाला है कि टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, लाल मिर्च नहीं डालेंगे। अब हम इसको जल्दी जल्दी इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। इस कढ़ाई में ना चाउमीन जो है बहुत अच्छी बनती है, अच्छी तरह हिलती भी है और ये थोड़ी गहरी भी होती है, तो इसको बनाने में बहुत अच्छा लगता है और चिपकती नहीं है। सबसे बड़ी बात है इस कढ़ाई में ये चाउमीन जो है चिपकती नहीं है, ये चाइनीज़ कढ़ाई ही होती है, आपको बाज़ार में इजीली मिल जाएगी। इसको अच्छी तरह से तेज आंच पर आपने हिलाना है और अच्छी तरह से इसको सॉटे करना है। ये देखिए, अब हम इसको 2 से 3 मिनट लगातार हिलाएंगे अच्छी तरह। बाजार जैसी चाउमीन जो है घर में बहुत आराम से बनती है और क्वांटिटी भी आपके हिसाब से बनती है। आप थोड़ी सी भी उबालते हैं तो आपको पूरी एक फुल प्लेट जो बाज़ार में मिलती है वो बन जाती है। चाउमीन बनके तैयार हो गई है।
गैस को बंद कर देते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कि चाउमीन जो है वो बिल्कुल भी साथ में नहीं लगी। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकी साथ में। अब चाउमीन को हम इस बाउल में डाल देते हैं। बहुत ही अच्छी सी चाउमीन बनी है। ये देखिए ये मैंने सारी चाउमीन इसमें डाल दी है। मैंने अभी कम बनाई है। ये देखिए आप देखिए बिल्कुल भी पैन में हमारे चाउमीन जो है नहीं चिपकी। ये देखिए मैं आपको एक बार नज़दीक से दिखाती हूँ। चाउमीन एकदम बढ़िया सी अलग अलग दाने की तरह बनी है। ये देखिए बिल्कुल भी चिपकी चिपकी चाउमीन नहीं बनी। तो इस तरह की चाउमीन आप घर में भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है और बच्चों को जब दिल चाहे तभी आप बनाकर खिला सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।